हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्लाई या व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ थैंक यू, यानी कि अगर आपको कोई इंग्लिश में थैंक यू बोलता है तो आपको उसका रिप्लाई जो है वो क्या देना है, ठीक है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग इसका रिप्लाई देते हैं। कोई इस पे वेलकम बोलता है, कोई इस पे नो प्रॉब्लम बोलता है, इट्स ओके बोलता है, माई प्लेजर बोलता है, तो कोई बोलता है मेंशन नॉट। लेकिन रियल में इन सभी का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज किए जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है इसी पे होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस जो है आपको मिलते रहे, ठीक है। सो व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ थैंक यू, यानी अगर आपको कोई थैंक यू बोले तो आपको क्या रिप्लाई देना है। तो यहां पर मैंने जो लिखा है, पहला लिखा है वेलकम। अब वेलकम कब बोलना है ये मैं आपको बताता हूं। देखें, जैसे कि मानो कि कोई बच्चा है वो साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते हुए गिर गया, तो आपने क्या किया, उसको साइकिल को उसके उठा दिया और उसको उठाया, तो उसने आपको बोला थैंक यू। तो आप उस सिचुएशन में जो वर्ड यूज करेंगे वो वेलकम नहीं होगा, ठीक है, वहां पर वेलकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलकम का मतलब यहां पर हो जाता है कि अगर आप वेलकम बोल देते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि आप दोबारा से इस तरह की सहायता करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उस तरह की सहायता करने के लिए आप दोबारा से तैयार हैं। तो इसलिए वेलकम उस सिचुएशन में बोला जाता है जब आप जो है उनसे उस तरह की सहायता दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं, ठीक है, तो वेलकम वहां पर आपको बोलना है। जैसे कि किसी का पेन गिर गया, आपने उठाकर उनको दे दिया, ठीक है, तो उसने बोला थैंक यू, तो आप बोल सकते हैं वेलकम, यानी कि आप इस तरह की सहायता जो है दोबारा भी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको वेलकम यूज करना है, ठीक है। अब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है और वो क्लास में है और वो पेन नहीं लेके आया। अब पेन नहीं लेके आया तो आपने उसे पेन दे दिया, तो उसने बोला थैंक यू, तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे नो प्रॉब्लम, कि आपको कोई समस्या नहीं है पेन वगैरह देने में, ठीक है। तो यहां पर जो थैंक यू का रिप्लाई होगा वो होगा नो प्रॉब्लम। जबकि अगर आपने किसी की किसी बड़ी प्रॉब्लम में जो है उसकी हेल्प की है, तो वहां पर अगर कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो वहां जो रिप्लाई होता है वो होता है इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। जैसे कि कोई है जो कि अब रास्ते में है, किसी को लिफ्ट चाहिए, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने उसको वहां पर ले जाकर छोड़ दिया जहां वो जाना चाहता था, तो वहां पर वो आपको अगर थैंक यू बोलता है तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए इट्स ओके। अब कई लोग यहां पे बोल देते हैं यू आर वेलकम, यानी दोबारा भी जो है मैं आपको लिफ्ट देने को तैयार हूं, तो उस सिचुएशन में वेलकम जैसे वर्ड्स, नो प्रॉब्लम जैसे वर्ड्स यूज ना करके वहां पर इट्स ओके यूज करते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमसे कोई सीनियर होता है, कोई बड़े होते हैं, जैसे कि दादा दादी हो गई, ठीक है, तो जैसे हमारे दादा है और दादाजी का कोई सामान नीचे गिर गया और हमने उन्हें वो चीज उठा के दी, तो हमारे दादा अगर बोलते हैं थैंक यू तो वहां पर हमें जो है इनमें से कोई भी वर्ड यूज ना करके यहां पर यूज जो करना है वो करना है माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, या फिर माय प्लेजर कि ये तो मेरी सौभाग्य है, या ये कह सकते हैं कि ये तो मेरे लिए जो है बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने जो है आपकी सहायता की, तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे माय प्लेजर, ठीक है। सर हैं, सर अगर पेन नहीं लाए हैं तो उनको अगर पेन दे दिया तो सर ने बोला थैंक यू, तो वहां पर भी माय प्लेजर। तो रिस्पेक्ट को शो करने के लिए अगर आपको कुछ बोलना है तो माय प्लेजर यूज करना है वहां पर, ठीक है, अगर कोई आपको अगर थैंक यू बोलता है तो। नेक्स्ट है मेंशन नॉट। कई बार होता है कि आप किसी की कोई एक छोटी सी हेल्प कर देते हैं तो वो बार बार जो है आपको थैंक यू बोलता है और आप नहीं चाहते हैं ऐसा वर्ड सुनना बार बार, ठीक है, तो आप बोलेंगे वहां पर मेंशन नॉट, यानी बार बार जो है जिक्र ना करें, ठीक है, जिक्र ना करो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं मेंशन नॉट, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वेलकम जो होता है वो तब बोला जाता है जब आप अगेन रेडी हैं किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है, अगेन रेडी हैं किसी की हेल्प करने के लिए, यू आर वेलकम या वेलकम, ठीक है, अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला है तो।
नेक्स्ट है नो प्रॉब्लम, जो है ये तब बोला जाएगा जब आप किसी की छोटी हेल्प करते हैं और उसने आपको थैंक यू अगर बोला है तो, ठीक है, तो आप वहां बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, मुझे कोई जो है यहां पर प्रॉब्लम या फिर समस्या नहीं है। इट्स ओके जो है तब बोला जाएगा जब आप किसी की बड़ी हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू बोलता है, तो वहां पर आपको जो है इट्स ओके वर्ड यूज करना है, इट्स ओके, ठीक है। माई प्लेजर मैंने बताया, अगर कोई बड़ा या कोई सीनियर आपसे जो है थैंक यू बोलता है तो वहां पर आपको माई प्लेजर वर्ड यूज करना है। कई लोग इट्स माई प्लेजर भी यूज करते हैं, तो उसमें भी कोई जो है गलत नहीं है, वो भी उसे भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। माई प्लेजर का मतलब ये होता है कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने जो है आपकी हेल्प करी, ठीक है। तो माई प्लेजर उस जगह यूज करेंगे टू शो द रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप स्क्रीन शॉट अभी ले लेना। और मेंशन नॉट का मतलब होता है जब आप बार बार जो है किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या बार बार कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप जब उसे बोलेंगे बार बार ये ना बोले, तो मेंशन नॉट जैसा वर्ड आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें ये सभी जो है वो थैंक यू के रिप्लाई हैं। अब एक वीडियो और लाऊंगा मैं जिसमें मैं आपको सॉरी के रिप्लाई बोलूंगा, ठीक है। अगर कोई आपसे सॉरी बोलता है तो उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू के ऊपर एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि अगर कोई हमें इंग्लिश में थैंक यू बोलता है तो हमें उसका रिप्लाई जो है क्या देना है, तो इसलिए मैंने जो है ये टॉपिक स्पेशली उठाया है जिसमें मैंने आपको ये सब बताया। और कमेंट करके बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसको ऑलरेडी जानते थे इसका रिप्लाई, ठीक है, और कमेंट करके वो लोग भी बताएं जो नहीं जानते थे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में, ये सारे के सारे आप चाहे तो नोट डाउन करा करें, ये स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए हर जगह जो है यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। अभी आगे मैं वीडियोस लेके आऊंगा डेली यूज सेंटेंसेस की, जो कि नॉर्मली हम हमेशा जो है घर में सेंटेंसेस यूज करते हैं, उस पर भी जो है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।